नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सुबह से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पोर्टफोलियो नीचे जा रही है। आप लोग पर्सनली भी नोटिस कर रहे होंगे अपनी पोर्टफोलियो को कि बाजार स्टिल बना हुआ है, तेजी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। निफ्टी स्टिल अभी भी 60 पॉइंट समथिंग ऊपर है, हालांकि टॉप से काउंट करोगे तो 80 पॉइंट्स नीचे है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को मैं आपके फोकस में रखना चाहूंगा, जो सुबह लगभग स्मॉल कैप 0.8% समथिंग रैली कर रहा था, अभी वो आधे परसेंट की तेजी रह गई है। मिड कैप जो 0.7% अप था, यानी ऑलमोस्ट 0.5% अप था, वो अभी केवल 0.3% यानी 1/3% रह गया है। तो ऊपर से जो है ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिप आ रही है दोस्तों बाजार में। अच्छा, मार्केट ब्रेथ भी देखो, सुबह करीब 400-500 शेयर्स नेगेटिव थे एनएससी पे, अभी 800 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं। सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा अगर आप फर्स्ट टाइम अभी जस्ट ओपन कर रहे हो अपनी मार्केट को, तो ओपन में हरा दिखेगा, निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर दिखेगा, बैंक निफ्टी ऊपर दिखेगा, सेंसेक्स ऊपर दिखेगा, स्मॉल कैप ऊपर दिखेगा, मिड कैप ऊपर दिखेगा, मार्केट ब्रेथ स्ट्रॉन्ग दिखेगी। लेकिन मॉर्निंग से कंपेयर करोगे तो वो नीचे जा रही है, और मे भी इतनी नीचे जा चुकी होगी कि शायद आपकी पोर्टफोलियो लाल निशान में भी फिसल गई हो। मैं ये सब चीजें डिस्कस क्यों कर रहा हूं दोस्तों, मैं ये सब चीजें इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि बीते दो ट्रेडिंग सेशन में हमने तेजी देखी मार्केट में, पोर्टफोलियो भी जंप कर रही है, लेकिन इंडेक्स लेवल पे डेली बेसिस पे हम नीचे आ जाते हैं। आज इंडेक्स कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहे हैं। मार्केट रेंज के ऊपर के भाग पे पहुंच ही नहीं पा रहा है। 25150 25200 का एक लेवल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल बना हुआ है, वो पार करने को तैयार ही नहीं है। आज दोस्तों निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी। अगर आज पार होता है तो सेकंड हाफ में एक शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस भी कम ही दिख रहे हैं। अब ये सारी चीजें डिस्कस करने के पीछे एक छोटा सा लॉजिक है कि बाजार उतनी स्ट्रेंथ अभी तक शो नहीं कर रहा है। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो फ्रेश कैपिटल लगाना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं यार मैं बॉटम पे नहीं लगा पाया, जो अभी 24700 का लगा, मैं नीचे स्टॉक्स नहीं लगा पाया, अभी वहां से 5-5% स्टॉक्स ऊपर आ गए हैं, वो अभी जज्बाती ना हो जाए, इमोशनल ना हो जाए। बाजार कहीं नहीं जा रहा है, बाजार में 25200 का लेवल अपने दिमाग में छाप लो, 25200 निकल जाए तो आप निफ्टी भी खरीद लोगे ना, तो पैसा बना लोगे। लेकिन अगर जब तक 25200 के ऊपर बाजार बंद नहीं आता, तो नीचे का घर खुला हुआ है। अब वन साइडेड मार्केट नीचे नहीं जाता भाई, उछल उछल के ही नीचे जाता है, क्योंकि आपके और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो यही सोचते रहते हैं कि अब तो तेजी, अब तो तेजी। और जो बड़े लोग हैं उन्हें बेचना है, तो वो बेच तो तभी पाएंगे जब कोई खरीदने को तैयार होगा। तो आप वो फंसने वालों में से मत बनिए। अभी मार्केट में कुछ ऐसी मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। 25200 निकले, क्लोजिंग आ जाए, देन 25400, 25500, 25600, 650 तक की जर्नी खुलेगी। तो 400-450 पॉइंट तब मिलेंगे, तब देखेंगे, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ अवॉइड। अच्छा दोस्तों, हम बढ़ते हैं थोड़ा ग्लोबल की तरफ। चाइना की बात करूं तो कल चाइना टूटा, हमें लगा बहुत अच्छा भाई, चाइना में ही तो सारा पैसा जा रहा है, चाइना टूट गया, टेंशन मुक्त हो गए हम, एफआईआई इसको भी समझ में आ जाएगा कि भैया गलत बाजार में पैसा डाल रहे हो। लेकिन चाइना ने एक दिन गिरावट दिखाई और आज वापस से बड़ा जोर से भाग रहे हैं, बदले की भावना से। फॉर एग्जाम्पल शंघाई को देखो आप, तो 1.5% ऊपर है दोस्तों, तेजी में वापस लौट रहा है। हैंगसेंग जो कल टूटा, परसों टूटा, आज वापस 3% की रैली कर रहा है। तो वॉलिटिलिटी चाहे अपने बाजार में क्या 100-100 पॉइंट की वॉलिटिलिटी है, वॉलिटिलिटी देखनी है तो शंघाई और हैंगसेंग को देखो आप, यहाँ पे परसेंटेज में वॉलिटिलिटी होती है, 3-3, 5-5% की वॉलिटिलिटी है। सोचो अपना भारतीय बाजार डेली 1000-1000 पॉइंट ऊपर नीचे करे तो कैसा लगेगा आपको। तो ये होगी वॉलिटिलिटी, और ये समय हैंगसेंग और शंघाई में चल रही है दोस्तों, भारी भरकम वॉलिटिलिटी है। जापान के मार्केट्स की बात करें तो कल 0.5% समथिंग ऊपर थे, अभी भी हल्की फुल्की पॉजिटिविटी है। वहीं ताइवान में भी हल्की फुल्की पॉजिटिविटी है, कल अमेरिका बड़े जोर से भागा है। आज अमेरिका की तरफ से 2-3 नंबर्स भी आने हैं, लाइक इन्फ्लेशन, जॉबलेस क्लेम डेटा, तो वो सब क्लोजली वॉच करेंगे हम। अब यहां से क्या करें दोस्तों, इस रेंज में कहीं ना कहीं बाइंग आ जाती है निफ्टी में 25030 के करीब, और आज वीकली एक्सपायरी है तो आई थिंक ज्यादा नीचे भी नहीं जाने चाहिए। FIIs का डेटा स्टिल नेगेटिव ही बना हुआ है, वो FIIs जो है कंटिन्यू फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, कैश में, हर तरफ बेच रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है वहीं बेच रहे हैं। तो वहां पे अभी हमें थोड़ी सी सावधानी और बरतनी चाहिए। और पोर्टफोलियो टर्म्स पे भी मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप
पैसा लगा रहे हो तो बहुत छोटा लगाओ, टुकड़ों में लगाते रहना, गिरावट में पैसा लगाते रहना। मेरे को लगता है अगले 6 महीने बाजार आपके लिए थोड़ा दिक्कत में रहेगा, नेगेटिविटी दिखाएगा बीच बीच में, उस नेगेटिविटी में एक्यूमुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म पर्पज से। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप पैसा बनाने जा रहे हो ट्रेडिंग से या फिर BTST से या फिर शॉर्ट टर्म निवेश से, नहीं बनेगा और दिक्कत और होगी, फंसोगे, पैसा लूज भी करोगे। इससे अच्छा है लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, एक ऐसा पैसा मार्केट में लगाइए जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो आपका पैसा बनेगा। मैं बार बार यही चीजें रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही चीजें हैं जो इस समय समझाने वाली हैं। अब देखो स्टॉक स्पेसिफिक कोई मजा नहीं आ रहा, शिपिंग स्टॉक्स में बॉटम टाइप फॉर्म हुए हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी करा था कि नेगेटिव तो मैं बहुत हूं इन स्टॉक्स पे, लेकिन अब जिस भाव पे आ गए वहां से गिरते हुए नहीं दिखते हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो ये यहां से 10-15% भागेंगे, रिजल्ट्स आए ना आए स्टॉक जरूर भाग गए 10-15%। फॉर एग्जांपल मजगांव 3950 का मेरा टारगेट था, 3850 तक गया, अभी वापस देखो 4500 हो रहा है। गार्डन रीच देखो आप, बहुत अच्छा कर रहा है, बट मैं रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ। अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो ये यहाँ से भी और ऊपर चले जाएंगे, रिजल्ट्स खराब आए तो ये वापस से लोएस्ट पॉइंट पे पहुँचते हुए दिखेंगे अपने। तो वेट करना है अभी क्वार्टरली नंबर्स का और रिजल्ट्स, जिनका आगाज हो ही गया है आज आपके लिए। इरेडा जैसा बड़ा नाम है, TCS जैसा बड़ा नाम है, टाटा LXI है, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट है, इन सब के नंबर्स आने हैं, तो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।